wanna show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Welcome to my channel, Desi Girl in US. So guys, I am very excited today because आज हम आए हैं सेंटा क्रूज बीच. यस, अब वाई आई एम एक्साइटेड बिकॉज ये मेरा सबसे पहला ट्रिप था जब मैं यूएस आई थी 8 years back. तो मैं सबसे पहले यहाँ आई थी और माई गॉड, यहाँ का बीच देख के ना आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज इट्स नॉट ओनली बीच, यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है, यहाँ पे राइड्स है, क्या कुछ नहीं है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, बोर्ड वॉक है और ऑब्वियसली सी का लुक, ब्लू ब्लू वाटर, वाज सो प्रिटी. तो गाइस यही एक्सपीरियंस मैं आपको कराना चाहती हूँ, आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, बहुत एंजॉय करने वाले. तो लेट्स गो. आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पार्किंग एरिया है जिसकी चार्जेस हैं $25. ये बहुत मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है और बहुत कॉस्टली है. तो ये जो सेंटा क्रूज बीच है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है. यहाँ पे बीच का अपना काफ़ी अलग एरिया है, वहाँ होटल्स वगैरह भी हैं और ये बेसिकली बोर्ड वॉक है जो जहाँ पे सारी राइड्स बनी हुई है. तो वन ऑफ द फेमस बीच है जहाँ पे यू नो बीच पे राइड्स बनी हुई है. ये 100 years से भी पुराना है. तो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ और आप देख सकते हैं पीछे कितना रश है. ये काफ़ी राइड्स बंद हैं बिकॉज हम थोड़ा जल्दी आ गए थे ताकि ज़्यादा रश ना मिले, पर थोड़ी देर में ये सब खुलने वाली है. तो आप ये देख सकते हैं ये फ्राइड वॉक है, ये सब लाइक यू नो थोड़ा हॉरर से रिलेटेड है. तो उसके लिए आपको प्रॉपर हेलोविन थीम पार्क में लेके जाऊंगी, उसका भी व्लॉग मैं बनाऊंगी, वो अलग आएगा तो उसका भी आप वेट कीजिएगा. इस टाइप के गेम सेक्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे गेम्स हैं. यू नो आपने इंडिया में भी देखा होगा कि मोस्टली ऐसे अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह में इस टाइप के गेम्स होते हैं या कोई मेला वेला होता है, उसी टाइप का है यहाँ पर भी. तो ये फर्स्ट राइड है पायरेट शिप. मोस्टली अपने इंडिया में भी देखा होगा ये काफ़ी अम्यूजमेंट पार्क्स में दिखती है, ये बहुत कॉमन है. तो राइड में बैठने से पहले मैं आपको थोड़ा टूर करा दूँ और मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी राइड हैं, थोड़ा सा ओवरलुक दे दूँ. ये राइड काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, काफ़ी मेरी फेवरेट है, बट यू नो इसके लिए काफ़ी लंबी लाइन है तो आई डोंट थिंक सो आई कैन डू इट. तो गाइस यहाँ पे आप सिंगल राइड का भी पेमेंट कर सकते हैं. एक राइड कोई $8 की है, कोई $6 की है, कोई $5 की है. और अदरवाइज इनका रिस्टबैंड जो चार्जेस होते हैं वो $29 से स्टार्ट होते हैं, $59 तक जाते हैं. और इनका एक सीज़न पास भी होता है जो कि अराउंड $99 आपको कॉस्ट करता है. उसमें आप कभी भी अनलिमिटेड आ सकते हैं और यू नो राइड राइड कर सकते हैं. ये सामने सी बीच है और यू नो इसको मैं डिटेल में आपको आगे दिखाऊँगी. बोर्डवॉक है, ये बेसिकली विद अम्यूजमेंट पार्क बोर्डवॉक है और एक और बोर्डवॉक है जहाँ के सिर्फ रेस्टोरेंट्स हैं खाने के लिए, यानी सी फूड के लिए, बट यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे नॉर्मली फास्ट फूड नहीं है. कई मेरे पीछे आप देख रहे हैं लॉकर्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं. यहाँ पे वॉशरूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप बीच में गंदे हो जाते हैं तो यू नो क्लीन व्लीन करने के लिए काफ़ी अच्छा है, शावर भी है. मैं भी अपना टिकट लेके आती हूँ, स्काई राइड करती हूँ. गाइस मैंने टिकट ले ली है स्काई ग्लाइडर की और मैं स्काई ग्लाइडिंग करने वाली हूँ. मैं ये करने वाली हूँ ये पीछे वाली राइड ये करूँगी और मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊँगी. गाइस ये राइड इनकी सबसे खतरनाक राइड है, सही बताऊँ मुझे कोई 2 crore भी दे तो मैं इस राइड को ना करूँ. ओ माय गॉड. हाँ अगर आपको योगा पसंद है, शीर्षासन पसंद है तो आई थिंक ये राइड आपको पसंद आएगी. आप देख सकते हैं कितनी देर के लिए उल्टा लटका देते हैं ये लोग. माय गॉड इट्स सो स्कैरी. मैं
मेरी राइड रेडी है, अब मैं चलती हूँ अपनी स्काई ग्लाइडर में। गाइस मैं बैठ चुकी हूँ अपनी स्काई राइड पे, देख रहे हैं अब मैं ऊपर जा रही हूँ। ओह माय गॉड बहुत डर लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट दी रश। व्यू बहुत प्रिटी आता है, फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है ये राइड, बट यू नो हाइट से मुझे बहुत डर लगता है। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए राइड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं पीछे मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं लिटरली। आई एम सो स्कैर्ड बट बिकॉज ऑफ यू गाइस आई एम डूइंग इट, क्योंकि ओनली दिस राइड आई कैन राइड विद कैमरा। अदरवाइज आपने देखा ही है बाकी राइड्स कितनी रिस्की हैं, तो उसको मैं शूट नहीं कर सकती थी ऊपर से। मैंने आपको इसलिए दूर से ही दिखा दी, बट हाँ ये राइड ज़रूरी थी सो डेट आई कैन शो यू व्यू ऑफ दिस पार्क एंड बीच। यू कैन सी हाउ बिग इट इज़, ओह माय गॉड। देखिए ये लुक मैं आपको यहीं से दे सकती थी। सामने आप वुडन रोलर कोस्टर देख रहे हैं, इसका नाम है जायंट डिपर। ये इनका ओल्डेस्ट यानी हिस्टोरिकल राइड है जो कि 100 ईयर से भी पुरानी है। देख रहे हैं वो लाइट हाउस आपको दिख रहा है, वो लाइट हाउस है यहाँ का सेंटा क्रूज का। उधर भी बीच काफी बड़ा है, वो आगे तक फैला हुआ है। नॉर्मली एक दो लाइक जो लोगों को ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, तो वो उससे ही चले जाते हैं। ये है वुडन रोलर कोस्टर जो चल रहा है, आप देख सकते हैं इसकी जो सेटिंग है वो भी पुराने स्टाइल की है। और ये मैंने ये राइड की हुई है और वाइपर मेरी कमर की लग गई थी, झटके इतने ज़बरदस्त झटके लगते हैं ना इसमें, क्योंकि वुडन वाला है ना, तो इसमें इतना स्मूथ राइड नहीं होती है। तो उतरने का टाइम आ गया। गाइस लेट्स गो टू द नेक्स्ट राइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम्स वाले सेक्शंस जगह जगह बने हुए हैं। ये सामने वाली राइड मैं करने वाली हूँ बिकॉज ये बच्चे वाली राइड है और आई लव किड्स राइड। खा लिया जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मेन फेमस डिपर डाइनर पे रुके हुए हैं। यहाँ पे सैंडविचेस एंड बर्गर्स मिलते हैं, चिकन सैंडविचेस भी हैं, बियॉन्ड बर्गर यानी इट मीन्स ये वेजी बर्गर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अभी मुझे बहुत कुछ दिखाना है आपको, यहाँ के बीचेस दिखाने हैं, यहाँ के बाइकर्स दिखाने हैं और यू नो लॉट ऑफ थिंग्स पेंडिंग है अभी। तो आपको पार्ट टू ज़रूर देखना है। और हाँ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए जब मेरी सेकेंड वीडियो आए। और लाइक एंड कमेंट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।